खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जहां पर बेगमपुर स्थित अवैध सेक्स क्लिनिक उष्मा पर यूनानी विभाग की टीम और पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। इसी दौरान टीम को लगभग 20 से ज्यादा ऐसी दवाइयां मिली जो पूरी तरह से प्रतिबंध है। वहीं जब इनसे कोई भी सर्टिफिकेट मांगा गया तो ये लोग दिखाने में असमर्थ रहे। आज हमारे क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी डॉक्टर कमलेश कश्यप के आदेश अनुसार उष्मा आयुर्वेदिक एवं प्राइवेट लिमिटेड के यहाँ निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत डॉक्टर अजीत सिंह यहाँ पर मिले। उनके द्वारा अभी तक कोई शैक्षिक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है और यहाँ पर आयुर्वेदिक मेडिसिन्स उपलब्ध हुई हैं जिनका बिल उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके इन्हें एक नोटिस जारी कर दिया गया है और इसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए लिख दिया गया है। कितनी दवाइयां यहाँ पे 15 से 20 दवाइयाँ हैं और दो तरह के तेल हैं जिनका जो है ये मालूम किया जा रहा है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन है कि एलोपैथिक मेडिसिन है। सर कितने दिन से चल रहा है ये? अभी 15 से 20 दिन के आसपास बताया गया है कि जो है, और इन्होंने धारा 1944 के अंतर्गत जो विज्ञापन संबंधित अनाधिकृत रूप से इन्होंने विज्ञापन का प्रचार में प्रसार किया गया है तो उसके संबंध में कार्रवाई की गई। ये जो दवाइयाँ हैं किस तरीके के इस्तेमाल में आती हैं? ये दवाइयाँ अभी बताना संभव नहीं है क्योंकि जो है इनका सत्यापन नहीं हुआ है, दवाइयों पे नाम और लेबल नहीं है। सर आपको जानकारी कैसे मिली है अभी? ये आज दिन में ही कार्यालय में मैडम के सामने समक्ष जो है किसी ने उपस्थित होकर शिकायत की थी जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है।